शेख अकबर अपनी किताब मवाकुल नुजूम में फरमाते हैं कि कल्ब जिस्म में हक का पयंबर है, अब या तो सच्चा है या झूठा, या गुमराह है या हिदायत याफ्ता। अगर आला जर्फ हो तो इसकी तकरीम की जाती है, और अगर कम जर्फ हो तो छोड़ दिया जाता है। अगर ये खैर का पैगंबर और हिदायत का इमाम हो तो ये अपनी फौजों की इताअत में मुतहरिक करता है, और इसके एलची आलम गैब जो कि इसकी आबादी है, और आलम शहादत उसके बयाबान है, से सुन्नत और जमात पर इस्तकामत की किताबों से इसके 10 हाकमों की तरफ जाते हैं। हर हुक्मरान के लिए इसके लायक जिम्मेदारियां हैं, और जो इसकी हकीकत का तकाजा है, और ये 10 हैं। 5 मुल्की आलम शहादत वाले, और 5 मलकूती आलम गैब वाले। मलकूती आलम गैब वाले हुक्मरान अरवाह कहलाते हैं। मुल्की आलम जाहिर वाले हुक्मरान हवास कहलाते हैं। जैसे देखने की हिस, सुनने की हिस, सूंघने की हिस, चखने की हिस, छूने की हिस। और मलकूती आलम गैब वाले हुक्मरान जैसे रूहे हैवानी, रूहे ख्याली, रूहे फिक्री, रूहे अकली, रूहे कुदसी।